सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्धा में आयोजित चुनावी प्रचार सभा में कहा कि कांग्रेस ने देश की संस्कृति को बार बार अपमानित किया है। हिंदुओं को आतंकवादी घोषित कर कांग्रेस ने हिंदुओं का अपमान किया है। देश का बहुसंख्यक हिंदू कैसे आतंकवादी हो सकता है? इस बात में कांग्रेस को मुक्ति नहीं मिल सकती। लोगों में गलत फहमियाँ फैलाई गई है। हमेशा जाति पाति की राजनीति करने वाले इस पार्टी ने देश को तोड़ने का काम किया है। हिंदू आतंकवाद शब्द कांग्रेस की ही देन है। अंग्रेजों ने भी हिंदू को कभी आतंकवादी नहीं कहा है। अब यह हिंदू कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। स्थानीय स्वावलंबी विद्यालय के मैदान पर आयोजित सभा में मंच पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, दानवे रिपाई के रामदास आठवले, सांसद विकास महात्मे, पूर्व सांसद दत्ता मेघे समेत अन्य मान्यवर उपस्थित थे। मराठी में की भाषण की शुरुआत। मोदी ने देश के वैज्ञानिकों को कामनाएं देते हुए मराठी में अपने भाषण की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 42 डिग्री सेल्सियस में भी इतनी बड़ी तादाद में जन समुदाय देखकर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन का क्या होगा, यह सोच रहा हूँ। कांग्रेस ने आज तक देश को लूटा है, गरीब और गरीब बनाया। आज वह कांग्रेस गरीबी की बात कर रही है तो कांग्रेस कभी गरीबों का भला नहीं कर सकी है। केवल गरीबों के नाम पर पैसा लाकर अपनी तिजोरी भरने का काम कांग्रेस ने किया है। भाजपा सरकार ने आपके आशीर्वाद से काम किया है, विभिन्न योजनाएं अमल में लाई है। कांग्रेस किसानों के लिए विविध योजनाएं को कार्यान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्य शुरू है। समूचे महाराष्ट्र में 25% परियोजनाएं अधूरी थी, जिसे हम पूरा कर रहे हैं। राज्य में जल युक्त शिवार का अच्छा काम किया है। देश चलाने का 56 इंच का सीना जरूरी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश को चलाने के लिए 56 पार्टियों की नहीं बल्कि 56 इंच का सीना होना चाहिए। गांधी जी का सपना था कि कांग्रेस विसर्जित की जाए, यह सपना 2014 में पूर्ण हुआ है। अब बची हुई कांग्रेस 2019 में साफ करनी है। 31 मार्च को हमारे सभी बही खाते बंद करने की परंपरा है। अब अप्रैल माह में कांग्रेस का बही खाता बंद करने का समय आ गया है। पिछले 5 वर्ष में विदर्भ का भारी अनुवेश भाजपा ने पूर्ण किया है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि सैनिकों की कार्यप्रणाली पर किया संदेह। हमारे देश के जवानों के कार्यप्रणाली पर संदेह किया गया है। देश की सेना को अपमानित करने वाले को सबक सिखाना जरूरी है। आतंकवाद और नक्सलवाद को मिटाने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। हमारे वीर जवानों ने आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा है। वही कांग्रेस ने विरोधी दल में हमारी सेना पर सवाल उपस्थित किए हैं। हमें हिंदुस्तान के हीरो की जरूरत है या पाकिस्तान हीरो की, ऐसा सवाल भी जन समुदाय से मोदी ने पूछा। कांग्रेस का इतिहास दलितों, गरीबों व अन्याय करने वाला रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी इन्होंने नहीं बख्शा। चुनाव के समय बाबा साहेब को हराने पुरजोर कोशिश कांग्रेस ने ही की थी। भाजपा ने हमेशा बाबा साहेब का आदर किया है और उनके विचारों से देश चल रहा है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने व अन्य दलों का यह गठबंधन केवल एक वोट बैंक पॉलिसी है, ऐसी टिप्पणी मोदी ने की है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी न भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।